नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग खेलेंगे लिटिल नाइटमेयर 2। तो आप लोगों ने देखा ही है इस गेम के पिछले भाग में कि कैसे उन्होंने ये जो बड़े वाला भूत है उसको मार गिराया, एंड अभी जो ये दरवाज़ा भी खुल गया। एंड तो अभी मेरे को इस दरवाज़े के भीतर जाना है 6 को ढूंढने के लिए। तो अभी 6 को ढूंढना ही बाकी है मेरे को। तो अभी अंदर जाकर देखता हूँ कहाँ है 6। तो चलिए खेलते हैं इस गेम को, आप लोग भी एंजॉय करना। हाँ, तो हम लोग फिर से वही जगह पर आ गए जो टीवी के अंदर घुसने के बाद, जहाँ ये दरवाज़ा दिखाई दे रहे थे ना आप लोगों को। तो फिर से हम लोग इस दरवाज़े के पास आ गए। तो अभी दरवाज़े के पीछे जाना होगा मेरे को। इस दरवाज़े के पीछे से ही वो लंबे वाला भूत निकल आए थे, उस दरवाज़े के पीछे से वो लंबे वाला भूत। तो अभी मुझे इस दरवाज़े के पीछे ही जाना होगा। तो शायद ये लंबे वाला जो भूत को मार गया है ना मोनो ने, तो शायद ये उस भूत का घर है। एंड यहाँ पर शायद 6 को बंदी बना कर रखा है। तो अभी मुझे 6 को ढूंढना होगा। एंड ये दरवाजे क्या, ये दरवाजा तो लॉक्ड हो गया। एंड अभी दूसरे दरवाजे खुला है। तो इस पार्ट में क्या करना है हमको, ये दरवाजे का पाजुल है तो ये पाजुल थोड़ा सॉल्व करना होगा हमको। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजा है। तो अभी हमको, अभी तो सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर मुझे ये पाजल सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको ये बहुत सारे यहाँ दरवाज़ा मिलेगा। जैसे आप इस दरवाज़े के पीछे से घुस जाएंगे ना, आप दूसरी तरफ से वापस आएंगे जहाँ पहले आएंगे आए थे उस दरवाज़े से। तो फिर से आप उस दरवाज़े ही वापस आएंगे। तो इसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा, आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई, आप लोग देखते रहिए कैसे मैं ये पाजल सॉल्व करता हूँ। हाँ, हो गया दोस्तों। अभी तो जैसे मैंने किया था आप लोग वैसे ही करना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा आप लोगों को। मतलब ये पाजल बहुत हार्ड है, मेरे को ही समझ नहीं आया मैं कैसे किया। तो भाई सिर्फ देखना, हाँ कैसे किया मैंने, और पूछता नहीं भाई कैसे किया। मतलब बहुत ही हार्ड पाजल है भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फिलहाल तो मैंने पहला जो पाजल था उनको तो अभी उसके शुक्रा छुटकारा पा लिया उस पाजल से। तो मेरे को अभी और भी पाजल है इस पार्ट में, तो आगे जाकर ही देखना होगा मेरे को। एक और सीढ़ी सामने है मेरे, तो अभी सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ मैं। एंड सामने एक और पिंक कलर का दरवाज़ा है, तो इस दरवाज़ा के उस तरफ जाना है मेरे को अभी। तो यहाँ पर और भी 3 दरवाज़ा है। तो अभी इस दरवाज़े का पाजल भी सॉल्व करना है हमको। तो दोस्तों अभी ये पाजल क्या है आपको बताता हूँ। हाँ भाई, करके बताता हूँ, आप लोग देखते रहिए।
हाँ हो गया दोस्तों। तो देखा आपने कैसे क्या, मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाकर खेलना होगा इस पाजुल को। तो अभी जैसे ही मैंने दिमाग लगाकर खेला तो अभी मैं कंप्लीट कर पाई इस पाजुल को। तो अभी यहाँ पर भी भाई एक और पाजुल है भाई, बहुत सारे पाजुल दरवाजे हैं यहाँ इस फोटो के हवेली पर। मतलब ये जो ये ठीना भी मरकर भी मतलब उसको मारने से कोई फायदा नहीं हुआ फिलहाल हमको, क्योंकि ये जो पाजल है ना, ये पाजल उसने बनाए थे, बनाए गए हैं। क्योंकि मुझे वो पता है कि मैं तो सिक्स को ढूंढने के लिए आऊँगा, तो जैसे ही मैं सिक्स को ढूंढने के लिए आऊँगा मुझे ये पाजल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये पाजल उसने बनाए हैं। तो अभी मैं तो ये पाजल सॉल्व करते करते भाई मेरा दिमाग ही घूम गया है। तो अभी मेरे सामने एक और पाजल है, तो अभी इस पाजल को भी सॉल्व करना होगा हमको। तो इसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, मैं ये जो दरवाज़ा है ना इसके अंदर मैं घुस जाता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर आ गया इस दरवाज़े से घुसते हैं। तो मैं एक और काम करना होगा मेरे को, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना यहाँ से जाता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं क्या करूँगा, जाते जाते मैं इस जो दरवाज़ा है ना मेरे सामने, ए भाई मैं तो इस दरवाज़े पीछे ही आ गया। तो थोड़ा रुको, हाँ मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ ये पाजल, आप लोग सिर्फ देखते रहे कैसे सॉल्व करता हूँ मैं ये पाजल। हाँ हो गया दोस्तों, अभी ये पाजल भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो लास्ट में जब जैसे कह रहा मैंने वो देखकर आप लोग करना, हाँ भाई तभी आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। एंड दूसरे यूट्यूब चैनल पर मैंने ही उससे देखा था कि वो लोग कैसे करते, वो लोग कुछ खास नहीं दिखाते, वो जो जैसे मतलब काट काट देते वो सीन, एंड अंदर जाने का सीन ही दिखा देते आप लोग, कैसे क्या वो ठीक से आपको दिखा नहीं पाते वो लोग। तो आप लोग यहाँ मतलब यहाँ आप लोग ठीक से समझ पाओगे मतलब कैसे मैंने ये पाजल सॉल्व कर लिया। तो अभी मुझे इस एक और नया दरवाज़ा आ गया मेरे सामने, तो अभी मुझे इसके अंदर भी घुसना है। तो इसके लिए मुझे अंदर जाकर देखना होगा मतलब क्या है इस दरवाज़े के पीछे। तो अभी ये जो मेरे सामने खिलौना जैसा चीज़ है ना, जो घूर घूम मतलब वो राउंड घूम रहा है मेरे सामने, वो इसका हैंडल घूम रहा है, ये चीज़ गेम में जब भी गेम स्टार्ट हो रहा ना, तो जब मैंने सिक्स को ढूंढने के लिए दरवाज़े तोड़े थे तभी ये चीज़ सिक्स के पास थे, एंड खिलौना अभी बड़ा हो गया। एंड ये क्या, ये तो सिक्स भी बहुत काफ़ी बड़ी हो गई रे भाई, लगता है इसके अंदर वो जो भूत ने इसके अंदर शायद उस खिलौने के अंदर शायद कुछ मैजिक भर दिया। तो ये मैजिक के वजह से ये सिक्स अभी बड़े हो गए। तो इसको छोटे करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अभी ये जो इसके पास खिलौना है इस खिलौना को तोड़ देना है, तभी ये जो पहले से जैसे थी ना तभी वो ऐसे बन पाएगी। तो इसके लिए मेरे को उसके हाथ से खिलौना छीनना है, एंड वो जो खिलौना है जो उसके हाथ में खिलौना है ना वो मेरे को छीन ही नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। तो इसके लिए भी जुगाड़ है मेरे पास। तो
तो मुझे अभी क्या करना होगा, जैसे मैं सिक्स को बुलाऊँ ना, वे करके जैसे सिक्स को बुला दूँ, ऐसे ही मुझे को बुलाना है, मेरे पास बुलाना है। देखा आपने, वो आ रही है मेरे पास। काफ़ी बड़े हो गए भाई, ड्रेस भी बड़े हो गए, साथ साथ फट नहीं गई ड्रेस, मतलब ड्रेस काफ़ी सोते थे ना, मैं सोचता था कि ये ड्रेस फट गई होगी, लेकिन ड्रेस फटी नहीं। तो इस हथौड़े से मेरे को इस खिलौना को तोड़ना है, तो अभी तोड़ के देखता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने खिलौना को हाथ लगाया, उसको कुछ हो जाता है, मतलब उसके दिमाग पर कुछ हो जाता है, शायद कुछ असर पड़ता है शायद। तो अभी मुझे देखना होगा क्या होता है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ भागना होगा। मैंने पहले ही खेला था इसलिए आपको बात भाग पहले ही भाग लिया, नहीं तो मैं मर जाता, क्योंकि वो सिक्स को खुलने पर मैंने हाथों से पार किया था ना, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई। हाँ तो भाई बताता हूँ, रुको, हाँ थोड़ा सीप लेता हूँ, नहीं तो मुझे को फिर से ढूंढ लेगा। तो इसके हाथ में जो खिलौना था, इस खिलौना को तोड़ने के वजह से ही वो इतनी गुस्सा हो गई, इसलिए मेरे को ढूंढ रहा है मारने के लिए। भूल गई कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ ना, वो बात वो भूल गई। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है अभी, मेरे को मारने की बात चल रहा है अभी उसके दिमाग पर, मैं बॉयफ्रेंड हूँ ये बात, अभी सारे बात भूल गई। तो वो पहली जो बातें थी उसको अभी याद भी दिलाना होगा मेरे को। तो याद दिलाने के लिए मेरे को अभी क्या करना है, ये जो शीश है खिलौना उसके हाथ में, इसको तोड़ना है अभी। तो ये यहाँ पर है, तो भाई एक सेकेंड, हाँ पहले मैं एक कुल्हाड़ी उठा लेता हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना होगा, फिर से वही करके चिल्लाना होगा, उस चिल्लाने की वजह से वो मेरे को पकड़ने आएंगे, तभी मैं वो शीश है ना उसके हाथ में शीश तोड़ पाऊँगा। तो अभी ये जो पिंक कलर का दरवाज़ा है, यह अभी मेरे को बहुत मदद करेगा। हाँ भाई बहुत मदद करेगा, आप देखते जा कैसे मदद कर रहे हैं आप। देखा आपने, उस तरफ आकर मैं इस तरफ कैसे आ गया, इस दरवाजे के वजह से, मतलब हेल्पफुल है ये दरवाजे। मैंने तो पहले गाली दी थी इस दरवाजे के बारे में, मतलब इतना सारे पाजोल इस दरवाजे के पीछे। तो अभी तो ये दरवाजा ही मेरे को मदद कर रहा है सिक्स सीस को तोड़ने के लिए, खिलौने को तोड़ने के लिए, जो सिक्स सिक्स के हाथों जो खिलौना है तोड़ने के लिए, अभी दरवाज़ा ही मदद कर रहा है मेरे को। तो एक ही बार में ये खिलौना नहीं टूटती, उसको बार 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 करना होगा तभी ये खिलौना टूटेगी। तो मेरे से तो दो बार हो गया अभी, इसे पार करने के लिए मेरे को पहले एक कुल्हाड़ी उठाना है। एंड कहाँ जाम कर रही हूँ भाई, मतलब ठीक से मिला नहीं मेरा। ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अरे ठीक से पकड़ो ना तुम, क्या कर रहे हो भाई सिक्स। अरे भाई उस तरफ हो जाता है ये आदमी, सीधे नहीं आते ये सिक्स, मोनो मोनो, मैं तो सिक्स ही बोला था, गलती से हो गई भाई। तो फिर से मेरे को अभी ये तोड़ना होगा, एक ही बार में टूट गया अभी ये। तो पहले मैं ये कुल्हाड़ी उठा लेता हूँ, तो अभी मुझे क्या करना होगा, एक सेकंड, हाँ देखता हूँ। भाग भाग जल्दी भाग भाई, नहीं तो ये मार डालेगा मेरे को। हाँ अभी ठीक है बार करने के लिए, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अभी भी खिलौना नहीं टूटा, और बार करना है मेरे को। अबे भाई उठ जा जल्दी, गर्लफ्रेंड का बसाना है ना, उसके बारे में भी सोच। नहीं यहाँ पर भी, मतलब कहाँ आ गया मैं, हाँ हाँ मिल गया, अभी ठीक ही आ रहा हूँ मैं। मैंने सोचा था कि मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि बहुत सारा अंधेरा है ना, एंड अभी मेरे को फिर से एक कुल्हाड़ी मिल गया। फिर से मेरे को दरवाज़ा तोड़ना है, एक ही बार में दरवाज़ा टूट गया। अभी यहाँ पर मेरे को कुल्हाड़ी नहीं है मेरे पास, तो मेरे को पहले ये जो कुल्हाड़ी है ना, जिसके सामने है कुल्हाड़ी ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो मेरे को पहले कुल्हाड़ी उठाना है। तो फिर से मेरे को आवाज़ करना होगा, ओए कह के बुलाना होगा सिक्स को।
अरे जल्दी उठा है भाग भाई जल्दी से। अभी सही मौका है इस खिलौना को तोड़ने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोनो, बहुत बढ़िया काम कर रहा है तुम अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, बहुत बढ़िया भाई। एंड अभी भी ये खिलौना तो भाई क्या खिलौना है ये भाई, इतना हार्ड है अभी भी नहीं टूटा ये खिलौना, कुछ भी नहीं हुआ इस खिलौना को। तो फिर से मेरे को इस कुल्हाड़ी उठाना है अभी खिलौना को तोड़ने के लिए, तो फिर से मेरे को वो कहकर बुलाना होगा सिक्स को। बहुत बढ़िया मनु, क्या भाई क्या कहूँ तुमको, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई तुम अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए भाई, जी जान लगा रहे हो तुम भाई, ऐसा बॉयफ्रेंड पाना मुश्किल है भाई। हो गया अभी पूरा खिलौना टूट गया, तो सिक्स अभी पहले जैसा हो जाएगा एंड दोनों अभी बेहोश हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा हाँ उठने के लिए क्योंकि उसके शरीर से वो भूत अभी निकाल रही, भूत निकाल ही थे ना अभी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसमें आने के लिए। तो अभी यहाँ से हम दोनों को भागने हैं, अभी ये जो चॉकलेट कलर के यहाँ भूत है यहाँ बहुत सारे आँखें हैं, तो गेम में अभी जहाँ अपने नीचे जो आँख दिखी थी ना पहले से अभी आखिर तक, वही ये मेन भूत है, मतलब इस गेम का आखिरी भूत यही है, बड़े बड़े वाले आँखें जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं ना ये भूत है, सब तरफ आँखें ही है आँखें इसका, एंड इसका मुंह तो भाई चॉकलेट कलर की है, मतलब चॉकलेट जैसा है इसका मुंह। तो अभी मुझसे मेरे को भागना है, यहाँ सिक्स तो काफ़ी आगे है मेरे से, तो अभी मैं ये भाई जल्दी पकड़ो एंड जल्दी उठो भाई यहाँ से, भागो भाई भागो 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 भाई, बहुत बढ़िया एक ही बार में पकड़ लिया, एंड भागो भाई ये टूटने वाला है, जल्दी भागो, और भी भागना है अभी तक पूरा नहीं हुआ है मिशन, उस टीवी के अंदर जाना है मेरे को, जल्दी जाओ ये टूट रहा है भाई, और टेस्ट और टेस्ट सिक्स पकड़ लेगा भाई तुमको, जल्दी जाओ। हाँ बहुत बढ़िया पकड़ लिया मैंने सिक्स को, उठा ले भाई सिक्स उठा, बॉयफ्रेंड का बसा भाई, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको तो दो या तीन बार बसा है, तुमने क्या किया ये मनो का हाथ ही छोड़ दिया, घटिया गर्लफ्रेंड निकली है भाई, मनो का तो हाथ छोड़ दिया, एंड ये मोनो का हाथ क्यों छोड़ा ये आपको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सस्पेंस में रखा है, जो गेम के लिथुनस में गेम जो तीसरे भाग आएंगे ना कब है मेरे को मालूम नहीं, दो या तीन साल या पाँच साल बाद भी आएंगे शायद, तो तब दिखाएंगे ये क्यों बिट्रे किया है मोनो को गर्लफ्रेंड ने, अपने ही गर्लफ्रेंड ने क्यों बिट्रे किया है। मेरे को भाई बहुत दुख लगा ये लास्ट सीन देखकर, मतलब आंसू आए हैं मेरे को, कैसे कर सकते हैं सिक्स अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा भाई, से धोखा दे दिया भाई मोनो को, मोनो ने तो भाई अपनी जान लगाकर बचाया ना उनको अपने सिक्स को, तो सिक्स को ऐसा नहीं करना था। तो अभी मैं तो भाई इस कहाँ पहुँच गया मेरे को भी मालूम नहीं है, किसी के पेट में आ गया हूँ मैं शायद, तो मेरे सामने अभी एक टेप शेयर है, तो पहले मेरे को इस शेयर के ऊपर उठना है बाद में, तो अभी मैं कहाँ आ गया आपको मालूम ही होगा, ये जो लास्ट में जो भूत दिखा है ना आपको, बड़े बड़े आंखें वाले भूत, चारों तरफ आंखें ही आंखें, इस भूत के अंदर आ गया मैं अभी, खा नहीं जाएंगे भूत, मैं इसके अंदर में आ गया है। तो मोनो सिक्स ने तो मेरे को धोखा ही दिया है, उसने तो इस टीवी के अंदर अकेले ही चला गया, सिक्स कहाँ पहुँच गया मेरे को भी मालूम नहीं है, शायद निकल ही गया इस डार्क सिटी से, पेल सिटी से निकल ही गया शायद सिक्स। तो अभी मैं यहाँ पर गुमसुम अकेला बैठा हूँ, सिक्स ने भी बेटे कर दिया मेरे को, बहुत दुख लग रही है आप मेरे को, मुझे भी दुख लग रही है, मतलब मेरे को भी रोना आ रहा है, सिक्स को ऐसा नहीं करना था, क्यों क्या ये भाई, मुझे भी मालूम नहीं है भाई, मतलब सस्पेंस में रखा है आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, सस्पेंस गेम ही है ये। तो मैंने सोचा है, सोच
मतलब मेरे तरफ से बताऊं कि सिक्स ने क्यों बीटेक किया है, मैंने दो कारण मतलब दो कारण बताऊंगा मैं, मेरे हिसाब से बताऊंगा। एक कारण तो ये है, मुझे लगता है कि ये सिक्स है ना, ये सिक्स मतलब इस भूतों का बच्चा है ये सिक्स, क्योंकि एक पार्ट में हमने देखा है जो हॉस्पिटल का दो पार्ट थे ना, वहाँ पर अपने एक पार्ट में देखा हुआ है सिक्स वो भूतों के उंगलियों को मतलब देख रहे थे, एंड वे जो हॉस्पिटल के जो दीवारों पर चलने वाला जो भूत थे ना, जब हम मतलब साहब मोरों ने उन भूतों को उन दीवारों पर चलने वाले भूत को मारा था, तभी सिक्स ने मतलब गुमसुम बैठते हुए उस भूत को देख रहा था, चलने चलने सभी चला चला दिया था ना सभी उन भूतों को, तो सिक्स देख रहा था बैठते हुए, तभी उनको बुरा लगा शायद, क्योंकि वो तभी सोचते थे कि तभी सोचता होगा कि मोनो ने मेरे दो साथियों को मार डाला, इसलिए मुझे मोनो का बदला लेना है, तो इसलिए शायद हो सकता है वो मेरा हाथ छोड़ दिया। यही कारण है मेरी तरफ से, एक ही कारण है, मैंने बताया दो कारण है, नहीं, एक ही कारण है मेरी तरफ से। तो अभी सिक्स वो गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया ना, इसकी वजह से वो अभी सिक्स भी मतलब मोनो भी अभी भूत बन गया, सिक्स ने धोखा दिया मोनो को, इसके लिए वो अभी भूत बन गया, वो मोनो भी अभी बड़ा वाला भूत बन गया, जो गेम में आखिरी पार्ट में वो टीवी के स्क्रीन से निकल था ना भूत, वैसा बन गया अभी मोनो, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया इसके लिए शायद वो भूत बन गया, ये भी हो सकता है, बहुत धोखा खाया ना बेचारे ने, गर्लफ्रेंड को बसाने के लिए वो कितनी मुसीबत झेल रही थी, एंड अभी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, ये तो सही नहीं है ना भाई, धोखा देना नहीं चाहिए था भाई सिक्स ने, गलती की भाई सिक्स ने, तो ये सस्पेंस में रख दिया यहाँ, वो आपको जब लिटिल मैच 3 आएगा तभी आपको डिटेल्स में बता पाऊंगा, तो अभी ये जो लिटिल मैच में 2 गेम है ना, ये गेम अभी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा एपिसोड अभी यहाँ पर ख़त्म, मैंने भी पूरा एपिसोड खेल दिया है, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा इस पूरे गेम का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, एंड 3 आने के लिए इंतज़ार करना होगा आपको, जब लिटिल मैच में 3 आएगा ना, अभी 2 या 3 साल बाद ही आएगा शायद ये गेम, तो तब के लिए आपको रुकना तो पड़ेगा, तभी आप जान पाओगे असली कारण, बीटे करने का असली वजह जान पाओगे। तो अभी एक गेम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो मैंने भी अभी इस काम को इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ अभी, तो चलो दोस्तों कैसा लगा अब इस पार्ट को आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना, हाँ मैं मेरा कमेंट्री भी, कभी कभी मेरा हिंदी रुक जाती है मतलब बीच में, मतलब क्या बोलना चाहिए वो मेरे को समझ नहीं आती, इसलिए थोड़ी रुक जाती है, तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, गाली भी मत देना मेरे को, मतलब सीख रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, एंड नए गेमिंग चैनल है मेरे, तो थोड़ा टाइम तो भाई ज़रूर लगेगा। तो अभी चलिए इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ अभी, एंड शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, दिल से शुक्रिया आप सभी को,